का एमजीएन हरियाणा लाइन न्यूज़ पर मैं हूं किशन सैनी। आज हम जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के गांव निमबेड़ा में यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ ये काफ़ी यहां के जो स्थानीय निवासी हैं हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज यहां की जो है ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम आए हैं और किस तरह का जो है चुनाव में प्रभाव रहेगा, किसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं निमबेड़ा गाँव के उन्हीं से हम जान लेते हैं। तो ताऊ जी राम राम। राम राम, कैसे सर? ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो ताऊ जी क्या चल रहा है आजकल, किस तरह की हवा चल रही है? चुनावी माहौल चल रहा है। चुनाव माहौल चल रहा है। तो अभी जिला परिषद की बात करें क्योंकि इस 2 नंबर वार्ड में करीब 23 गांव आते हैं, तो क्या लगता है कितने कैंडिडेट आपके पास आ चुके हैं अभी तक? अभी 2 आए हैं। 2 आए हैं, हाँ जी। तो किसका पलड़ा आपको लग रहा है कि भारी है या फिर कोई जीत सकता है? अभी इतना वो नहीं है जी, अभी तो सस्पेंस है कि जनता सोचेगी, अभी कुछ बता नहीं पा रही। हाँ जी, ठीक है। आप भी, क्या नाम है सर अपना? सर मेरा बिजेंद्र सिंह तवर है। बिजेंद्र जी, हाँ, बताइए क्या बताना चाहेंगे, जैसे चुनावी माहौल है। सर ऐसा है कि डागर सिंह 4 साल से अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और जीत तो उसके उसकी है। मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई डागर सिंह है उनकी? वे हर मुंह में आते हैं, हर फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं। हाँ, अटेंड करते हैं, हर दुख सुख में आपके आते हैं। हाँ, आते हैं। ठीक है, देखिए ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है सर? वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या कहेंगे आप, जैसे ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी हवा लग रही है? हवा तो जी पूरा डागर की चल रही है तो फिलहाल। घड़ी डागर की ज़्यादा चल रही है। तो मतलब ये कई सालों से आपके पास आ रहे हैं या अभी से आने लगे हैं? कई सालों से जब से कंडक्टर था जब से जान पहचान है। और वैसे और कैंडिडेट दूसरा कौन आया है यहाँ पे? यहाँ पर जी मेरे सामने तो कोई आया नहीं। लेकिन जिस तरह से हवा चल रही है, चुनाव नजदीक आ चुका है, नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा आपके गांव से? डागर का। ऐसा क्यों लग रहा है? गाँव को हर प्रोग्राम में आते हैं और बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन भी होगा, मतलब हर फील्ड से जुड़ा हुआ। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है भाई साहब? मेरा भवानी नाम है जी। भवानी जी, क्या काम करते हैं आप? मैं तो जी अपने मेडिकल कर रखा है। कहाँ पे? वहीं पे दुकान पे है, स्टैंड पे। अच्छा, ये आपका स्टैंड है? हाँ, ये स्कूल के पास। स्कूल के पास, ठीक है, ये दुकान। ठीक, तो बताइए भाई साहब किस तरह से देखते हैं आप जो है चुनाव? सभी प्रकार की मदद करते हैं डागर साहब, ठीक है। सभी बच्चे से लेकर बड़ों तक उनकी पहचान है और हर सुख दुख में काम आते हैं। मतलब मेन बात यही है कि वो हर एक व्यक्ति से जुड़ाव करते हैं। से जुड़ाव करते हैं, कोई मान लिया ऐसे नहीं कि भाई एक आदमी से लाइजन और फिर वो हर गांव के हर आदमी से जानते हैं। मतलब जैसे ये करीब 23 गांव हैं यहाँ पर और 23 गांव में बताया जा रहा है कि कई गांव में हम गए हैं सर्वे के लिए, तो एक तरफा माहौल सा एक बनता नजर आ रहा है, ऐसा कितना सच मानते हैं सर? ये एकदम कन्फर्म बात है कि यहाँ पे भी करीबन एक तरफा ही माहौल है डागर जी का। मतलब कितना मानते हैं, कितना परसेंट गांव जो है एक तरफा उतरने वाले हैं? देखो जी, अभी तो 80-85% तो एक तरफा है जी, क्योंकि मैं उनके साथ गया था, जब देखा था सभी मान ले छोटे से और बड़े तक उनको कोई जैसे कैंडिडेट आता है तो वो पूछते हैं भाई कहाँ से आए, लेकिन डागर जी से किसी ने नहीं पूछा। डागर जी ने आते ही देख दिया, अरे वीरेंद्र डागर आ गए डाडूत वाले। मतलब हर बच्चा भी जानता है जी, व्यक्ति नहीं, हर छोटा से बच्चे से लेकर बड़े तक जानते हैं सर। हाँ जी सर, आप भी बताइए। मेरा नाम सतवीर है जी। सतवीर जी, हाँ जी। तो किसको समर्थन देने वाले हैं आपके पास? डागर साहब को। डागर साहब को, हाँ जी। पूरा रहेगा, पूरे गांव का? बिल्कुल पूरा रहेगा जी। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ निमबेड़ा गांव में आए थे और काफ़ी लोग जो है, आप दिखाइए पीछे, काफ़ी गैदरिंग है अभी भी यहाँ पर, लोग मौजूद हैं हमारे साथ और इन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो है वीरेंद्र सिंह डागर जो है ढाडोत गाँव से, वो अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़वा रहे हैं और उन्हीं का ही पलड़ा ये बता रहे हैं कि ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं किस तरह से क्या होगा, अभी कई कैंडिडेट हैं, कईयों के नाम जो है सामने आने लगे हैं, तो 30 तारीख को किस तरह की वोटिंग होगी और जब गिनती होगी उस टाइम जो है किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, तो ये देखने वाली बात है। और इसी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट को लेने के लिए आज हम इस गांव में मौजूद थे और आगे की जो अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेगी। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।